हेलो फ्रेंड्स, इस बार हम आपके लिए लेकर आए हैं 1163 CHOs की भर्तियां जो कि निकली हैं NHM यानी नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश टेक्निकल सपोर्ट यूनिट उत्तर प्रदेश नेशनल हेल्थ मिशन में भर्ती के लिए एप्लीकेशन से इनवाइट कर रहा है। वीडियो में हम आगे इस भर्ती से जुड़े जरूरी नियम व शर्तें, इसके अंतर्गत मिलने वाले वेतनमान और इसकी आवेदन प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। तो यह सब जानने के लिए आपको इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहना होगा। सबसे पहले स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल recruitmentbox.com पर, जहां मिलेगी आपको देश भर में जारी होने वाली सभी नौकरी की जानकारी। तो अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस भर्ती में निकली वैकेंसीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसमें कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की कुल 1163 वैकेंसीज निकली हैं, जिसमें से UR यानी जनरल के लिए 584, OBC के लिए 312, SC के लिए 240 और ST के लिए 27 सीट्स आरक्षित रखी गई हैं। इसके बाद इसकी सैलरी डिटेल्स देख लेते हैं। इसमें ट्रेनिंग के दौरान आपको ₹20,000 प्रति महीना स्टाइपेंड दिया जाएगा। इस स्टाइपेंड के साथ साथ आपको आपकी परफॉर्मेंस के आधार पर ₹15,000 इंसेंटिव भी मिलेगा। तो कुल मिलाकर ₹35,000 प्रति महीना सैलरी आपको मिल जाएगी। इसके बाद इसमें इसेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है। इस भर्ती में भाग लेने के लिए जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, GNM, RN, RM या फिर बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है और अप्लाई करने वाले अभ्यर्थियों की एज 35 वर्ष से कम होनी चाहिए और इसमें UP स्टेट गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार उचित रिजर्वेशन प्रदान किया जाएगा। और अंत में यह सूचित किया गया है कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड होना आवश्यक है। सिलेक्शन के बाद अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को UP स्टेट नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के लिए 3 महीने का वक्त दिया जाएगा। इसेंशियल के बाद फिर इस नोटिफिकेशन में डिजायरेबल क्राइटेरिया दिया गया है। अगर आप यह डिजायरेबल क्राइटेरिया के अंतर्गत दी गई योग्यताएं रखते हैं तो सिलेक्शन के वक्त आपको प्राथमिकता दी जाएगी। प्रोफिशिएंसी इन रीजनल लोकल लैंग्वेज एंड डायलैक्ट, यदि आपको क्षेत्रीय या स्थानीय भाषा और बोली का ज्ञान है और अच्छे से बोल लेते हैं तो यह आपके चयन के लिए एक बोनस पॉइंट होगा। इसके अलावा अगर आपके पास हेल्थ सेक्टर में 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी, या फिर आपके पास पब्लिक हेल्थ सिस्टम के अंतर्गत प्राइमरी या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर लेवल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब जान लेते हैं इसमें किस तरह से अभ्यर्थियों का सिलेक्शन किया जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले इसमें अभ्यर्थियों को 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके लिए आपको कम्युनिटी हेल्थ में ब्रिज प्रोग्राम सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद अभ्यर्थियों को 1163 सब सेंटर्स में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के तौर पर तैनात कर दिया जाएगा, जहां पर उन्हें फीमेल और मेल हेल्थ वर्कर्स और ASHAs जैसे फ्रंटलाइन वर्कर्स की प्राइमरी टीम को लीड करना होगा। अब बात करते हैं इसकी आवेदन प्रक्रिया की। दोस्तों, इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 17 अक्टूबर 2018 को शाम 3 बजे से शुरू हो रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए आपको यह दिए गए लिंक www.ihat.in/vacancies/upnhm पर जाना होगा। इस लिंक तक आप इंडिया हेल्थ एक्शन ट्रस्ट IHAT की ऑफिशियल वेबसाइट www.ihat.in के माध्यम से जा सकते हैं। IHAT की ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर आपको यह दिए गए करियर टैब पर जाना है, फिर इस दिख रही लिस्ट में वैकेंसीज ऑप्शन पर जाके फिर इस लिस्ट में UPNHM ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही आप उस पेज पर पहुंच जाएंगे जहां पर आपको इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन का लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन लिंक अभी एक्टिव नहीं है। यह लिंक 17 अक्टूबर 2018 को शाम 3 बजे से एक्टिव हो जाएगा, जिसके बाद आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक्टिव हो जाने के बाद अप्लाई ऑनलाइन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसकी सहायता से आप आसानी से कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकेंगे। इसके लिए आपको इस वीडियो को लगातार चेक करते रहना होगा। तो दोस्तों, यह थी इस भर्ती से जुड़ी पूरी जानकारी। आपको ये वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो से जुड़े कोई भी सवाल या सुझाव आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर करें और आगे आने वाली तमाम भर्तियों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। recruitmentbox.com के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।